हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिलीन द मिस्टीरियस पॉइंट। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएचडी इंटरव्यू टॉपिक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं जो कि आपको अभिलीन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, पीएचडी इंटरव्यू टॉपिक्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पीएचडी इंटरव्यू टॉपिक्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक बनता है हमारा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपसे पूछ सकते हैं, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, इनकी किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक होता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है इसमें एलएस कपलिंग। ठीक है, एलएस कपलिंग के आगे हमसे फाइन स्ट्रक्चर, फाइन प्लस हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पूछते हैं या फिर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है बोर मैग्नेटॉन के बारे में। और पूछा जाता है लार्मर प्रेसिजन के बारे में। और इसमें पूछा जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुंड्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत चीजें पूछी जाती हैं। साथ में इसमें इंटेंसिटी रूल्स भी आते हैं, इनको भी आप लोग देख लेना, इंटेंसिटी रूल्स। इन सभी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, हुंड्स रूल। इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्प्लिटिंग। ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है स्टार्क इफेक्ट, इसमें आता है हमारे पास जीमान इफेक्ट, जीमान, नॉर्मल प्लस एनोमलस, और इसमें आता है हमारे पास पाश्चेनबेक इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे इन मॉलिकुलर फिजिक्स। ठीक है, अब मॉलिकुलर फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है रिजिड रोटेटर मॉडल से, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में रिजिड रोटेटर मॉडल से, रोटेटर मॉडल प्लस पूछ लेता है नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के बारे में। अब इसे क्या पूछते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल। इसी तरीके से रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में पूछता है हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल प्लस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो कि है रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें इसी में एक्सरेज के बारे में पूछा जाता है, एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, तो इनको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा और बने रहिएगा अभिलीन द मिस्टीरियस पॉइंट के साथ, ताकि हम इनको इनके सेपरेट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकें कि क्या किस किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, प्रीवियसली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो इतना आप लोग कीजिएगा, बाकी
हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।